बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने लॉगिन मैकेनिज्म कंप्लीट किया था। लॉगिन करने के बाद जो है हम पहले चेक कर रहे थे यहाँ पे, ये देखें अगर यूज़र टाइप मैनेजर है तो वो हम मैनेजर के टेबल में जाएंगे, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम मैनेजर, और उसका आईडी पासवर्ड चेक करेंगे। अगर होगा ठीक तो हम किधर जाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट नेविगेट कर देंगे उस पेज में। तो यहाँ पर हम इसे जिस पेज पे आपने जाना है वो पेज का नाम दे देते हैं मैनेजर पैनल, ठीक है, इसका नाम मैनेजर पैनल रख दिया, ठीक है। और अगर वो यूज़र हमारा जो है वो यूज़र होगा, मैनेजर नहीं होगा, यूज़र वाले टेबल में फिर हम देखेंगे, तो उसमें हम यूज़र वाले टेबल में इस यूज़र आईडी और पासवर्ड का डाटा देखेंगे, और डेटाबेस से डाटा डॉक्टर के ज़रिए हम डेटा डॉक्टर के ज़रिए डीटी टेबल में फिल करवाएंगे। यहाँ पर फिल करवाने के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा डेटाबेस से डाटा आ रहा है। ये उसी वक्त आएगा जब उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक होगा, तो फिर हम यूज़र पेज में चले जाएंगे, यानी कि यूज़र पैनल में नेविगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हमने अभी तक कर लिया, ठीक है। अब हम ये पैनल्स पे बात करते हैं, अलग अलग पैनल बना लेते हैं। तो अलग अलग पैनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो, अच्छा एक और चीज़ भी है, हम चलिए पैनल बना लेते हैं। यहाँ पे नया पेज ऐड करो, वेब फॉर्म यूजर पैनल डॉट एच, ठीक है। जी ये मेरा यूज़र पैनल ओपन हो गया, बन गया। अब मैंने क्या करना है, लॉगिन पेज पे जब हम यूज़र पैनल में जाएँ ना, तो उसके साथ उसका आईडी भी लेके जाएं, ठीक। उसके लिए हम फिर सेक्शन यूज़ कर लेते हैं, ये सेशन जो है जब हमने एक पेज से दूसरे पेज में डाटा को लेके जाना होता है ना, तो उसके बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका सेशन का है। तो ये मैं सेशन के ज़रिए डाटा जो है वो अब हम इस पेज में जा रहे हैं सेशन के ज़रिए डाटा ले के। सेशन में, सेशन का नाम मैंने रखा है यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा ये जो है ये सिंपल एक इसका डिज़ाइन भी देख लें, ये मेरा यूज़र पैनल है खाली बिल्कुल। इधर सिंपल हमने क्या करना है, टेबल एक इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम नहीं करना, तो इसे जो है ना खाली छोड़ देता हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ मर्ज सेल करके, नीचे जो है वो यहाँ पर जो है हम यूज़र का आईडी डाल देंगे जो हमने इस सेशन से लिया, ठीक है। उसको डालने के लिए मैंने लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो लॉगिन से हमारे पास सेशन आया ना, इसको हमने यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, इस लेबल में। तो एक मिनट, इसको कलर भी थोड़ा सा दे दें,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएं, इसके ये पेज लोड इवेंट, पेज लोड इवेंट जब तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा पेज जब ये लोड हो ना तब हमने इस कोई काम करना है, वो हम पेज लोड इवेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसके पे क्या करेंगे, मैं ये चेक कर रहा हूँ सेशन खाली तो नहीं है, जो हमारा डाटा वो खाली तो नहीं है, उसको फिर वेरिएबल में डालेंगे। अगर हमारा सेशन खाली नहीं है तो उस सेशन को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़र आईडी में डाल दिया, और यूज़र आईडी को अब हम लेबल में डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो यूज़र आईडी है ये हमारा इस लेबल में आ जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नीचे जो है वो हम सिंपल लिंक लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक कोई और लिंक है नहीं, लॉग आउट लगा देते हैं सिंपल, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया। प्रॉपर्टी में गए, और इसको पेज देने के लिए हमें यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखिए हम यहाँ पर आ गए लॉग आउट वाले पैनल पे, इसके सोर्स में जाके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपरलिंक लगाना है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। लेकिन इसको लिंक भी देना है हाइपरलिंक को, तो आप इसके डिज़ाइन में जाएं, ये देखें ये हाइपरलिंक बना हुआ है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में गए, नेविगेट, जो हाइपरलिंक होता है ना, हाइपरलिंक में आप क्लिक करते हैं उसमें कोड के बगैर आप एक पेज से दूसरे पेज में जोड़ते हैं, लेकिन जब आपने कोडिंग में जाना हो तो फिर वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीड्रैग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले यूज़ किया, ठीक है। ये मैंने लॉगिन का लॉगआउट के लिए बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर भी लॉगआउट वाला है, इसको भी लिंक करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया यूज़र पैनल, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारा ये यूज़र पैनल हो गया यूज़र के लिए, ठीक है। अब हमारा रह गया है सिर्फ मैनेजर पैनल, तो मैनेजर पैनल भी बना लेते हैं और उस पर भी काम कर लेते हैं। ये मैनेजर पैनल आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, ये जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसका रूट फोल्डर ये बनेगा रूट, उस पर राइट क्लिक करें, ऐड न्यू एड रेफर, ये उस ASPX पेज का सोर्स है,
इस पे डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ पर आप एक टेबल इंसर्ट कर दें जैसे हमने पहले भी इंसर्ट किया था। ठीक है, अब जो है हम इसको बिलो भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मर्ज सेल करके मॉडिफाई मर्ज सेल करें, यहाँ पे हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगो का हाइपरलिंक लगा दें, ठीक है। अच्छा, लॉगआउट में हमने ना एक काम नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ। लॉगआउट में हमने जब सेशन हम यूज़ करें ना, सेशन को ख़त्म भी करना है ताकि यूज़र कोई और आ ना जाए। ये देखें, ये लॉगआउट का पेज है, इस पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएं, यहाँ पे सिर्फ हमने लिखना है सेशन डॉट जितने भी सेशन इस टाइम चल रहे होंगे ना, जब आप लॉग आउट करेंगे तो वो सेशन क्लोज हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया। अब हम आ जाते हैं इधर मैनेजर पैनल। अच्छा, मैनेजर पैनल में ना हमने तमाम रजिस्टर यूज़र्स को ना शो करवाना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये टूल में जाएँ, उन्होंने कहा हुआ ये रिक्वायरमेंट है, ये ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू को यहाँ से लेके यहाँ पे शो करवा। ठीक है, ये हो गया, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, अप्लाई करें, ओके करें, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमने डेटाबेस से जोड़ना है और शो करवाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ पर हमने पेज लोड इवेंट पे डेटाबेस से डाटा ला के उसे शो करवाना है। तो यूजिंग सिस्टम ये दो नेम स्पेसेस हमने यूज किए हैं ताकि हम डेटाबेस से डाटा लेके आ सकें। ठीक है, अब हम इनको यूज करते हैं नीचे। क्यूरी लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ सारा कुछ।
ये देखें, ये मैंने डेटाबेस से ये क्यूरी लिखाई कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, तमाम यूज़र्स का डाटा मुझे ला के दो। क्यूरी कनेक्शन बनाया, डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर ये इमेजनरी टेबल डीटी बनाया, फिर डाटा डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया डीए, और डाटा डॉक्टर को क्यूरी और कनेक्शन पास कर दिया कि ये वाली क्यूरी है, इस कनेक्शन में जाके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करो। फिर डाटा डॉक्टर ने क्या किया, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और डाटा डॉक्टर ने जो डाटा एग्जीक्यूट होने के बाद आई ना डाटा, उसको इस इमेजनरी टेबल में फिल कर दिया। ये इमेजनरी टेबल डेटाबेस से में जो डाटा आएगा उसको टेबल में डाल देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ तक डेटाबेस का काम ख़त्म हो गया। अब ये इमेजनरी टेबल में जो डाटा आया था उसको मैंने ग्रिड व्यू में डाल दिया और उसको बाइंड करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ग्रिड व्यू अभी लगाया ना, इसमें ये डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया सारा, ठीक है। अब सिर्फ एक पेज हमारा रह गया और उस पेज का नाम है फॉरगेट पासवर्ड का पेज, ठीक है। बाकी अच्छा, सेशन यहाँ पर हमने नहीं लिया था, सॉरी, सेशन भी ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब आपने एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाना हो फिर आप सेशन यूज़ करते हैं, तो ये मैंने इस यूज़र आईडी को इस सेशन में डाला, इसका नाम यूज़र आईडी है, सेशन यूज़र आईडी, ठीक है। तो जो काम मैंने पहले किया था, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैनेजर पैनल में जाएं, यहाँ पर एक लेबल भी लगा लेते हैं जिसमें हमने सेशन शो करवाना है, यूज़र का नाम, मैनेजर का नाम। को कलर दे देते हैं दूसरा, अब इसकी बैकएंड पे जाते हैं। सेशन हमारा कौन सा था, ये है सेशन यूजर आईडी, सेशन को चेक किया, खाली तो नहीं है, नल तो नहीं है, और फिर सेशन में से को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल यूज़र आईडी में डाल दिया। फिर इस यूज़र आईडी को हमने लेबल में डाल दिया, तो इस तरह से जो है वो हमारा जो सेशन है वो क्रिएट हो गया, और सेशन से डाटा जो है वो हमारा इस लेबल में आ जाएगा, यूज़र का नाम, ठीक होगी, जो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमारा ये काम भी हो गया, अब सिर्फ एक काम रह गया, वो है फॉरगेट पासवर्ड का। जी, ये फॉरगेट पासवर्ड का पेज है, इसको हम टेबल करते हैं इंसर्ट।
अच्छा ये सेंटर में आ गया, अब हम इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई मर्ज सेल कर लेते हैं। हाँ इसमें बहुत ही छोटा हो गया, चलो जब इसे डालेंगे ना बड़ा हो गया। चलो एक बैक का लिंक लगा देते हैं बैक पे वापस जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम लॉगिन पे वापस चले जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कौन सा था आपका, एक मुझे डेटाबेस का नाम नहीं याद, मैं यहाँ से देख लेता हूँ डीबी क्लास में जाके माई डीबी है। रिफ्रेश करते हैं एक दफा, यूजर अपना पासवर्ड भूल गया तो उसने क्या करना है, ठीक है वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल्स लगाने हैं सारे, टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल और बटन का कंट्रोल लगाना। अब इन कंट्रोल्स को हम जो है वो नाम दे देते हैं ताकि बैकएंड पे हम उसे एक्सेस कर सकें। आईडी जो है
अब ये मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस तो मैंने बना लिए। अच्छा बटन भी ऐड, बटन को भी कर लेते हैं। और इसको जो है वो ऑन कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अच्छा डी स्टूडेंट, ऐसा है कि मैंने ना एक मिनट मुझे लिखने दो, ठीक है। मैंने जो है वैलिडेशन अप्लाई की है आपके पेजेस में, लेकिन उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। यहाँ पर मैं अभी वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ इनके लिए। वैलिडेशन क्या होता है कि आपका डाटा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये फील्ड्स हमारी लाजमी तौर पे एंटर करनी है यूज़र ने, तो इसके लिए मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैलिडेशंस पड़ी हुई हैं, इनमें से जो अभी हमें चाहिए वो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, यानी कि ये फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये देखें ये इसका मैसेज जो है वो यहाँ पे एरर मैसेज, ठीक है। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, रेड, क्योंकि ये एरर है, ठीक है। अब इसको ये जो मैंने एक सिलेक्ट किया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसमें आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को आपने वैलिडेट करवाना है, तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है यूज़र आईडी को, ठीक है। इसी तरह से ये सारों के साथ मैं करता हूँ, तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये हो गया था, इस पर जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाके ये प्रॉपर्टी विंडो मेरी ओपन हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड जो है और रीटाइप पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे पास एक वैलिडेशन है, उसको कहते हैं कंपेयर वैलिडेटर। तो यहाँ पे हमने कंपेयर वैलिडेटर लगा दिया, ठीक है। कंपेयर वैलिडेटर जो है वो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये कंपेयर वैलिडेटर, इसमें इसका क्या मकसद है कि दो कंट्रोल्स जो हैं उनको चेक करना, यानी पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, एरर मैसेज जो हमें मैसेज शो करवाना है, नोट मैच, ठीक है, यानी कि पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहा, ये एरर आएगा। और कंट्रोल टू कंपेयर, इसमें अब किसके साथ कंपैरिजन करना है, पासवर्ड को, कंट्रोल टू वैलिडेट, रीटाइप पासवर्ड, ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि किसके साथ आपने कंपेयर करना है और किसको वैलिडेट करना है। तो ये दोनों एक हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब पासवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था पासवर्ड नज़र नहीं आना चाहिए, छुपाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है ये टेक्स्ट मोड, इसको भी ठीक
ठीक हो गई बात, कंट्रोल एस प्रेस कर, ठीक हो। अब जो है अब हमने बैकएंड पे जाना है, लेकिन अब जो है ना हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या करना है, यूज़र से डाटा ले लिया हमने सारा, यूज़र से डाटा लेके वेरिएबल्स में डालते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले अपडेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फ्रंट एंड से सारा डाटा लेके मैंने इस इन वेरिएबल्स में सेव करवा दिया, ठीक है। अब हम आगे क्या काम करते हैं, अब आगे हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि यूज़र आईडी का सीक्रेट क्वेश्चन और पासवर्ड ठीक है, सॉरी सीक्रेट क्वेश्चन जो उसने एंटर किया और उसका आंसर जो एंटर किया वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर हमने उसका डाटा अपडेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करने के लिए डेटाबेस से डाटा लेना है, तो यूजिंग सिस्टम ये दो नेम स्पेसेस ऐड कर दिए, अच्छा ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए ना स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह बड़ी है, इसलिए मैं इसलिए यहाँ से देख लेता हूँ कॉलम के नाम, इस कोड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
कोड सारा लिख लूँ एक दफ़ा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सारा। जी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने यूज़र से सारा डाटा, ये जो फ्रंट एंड से लेके हमने इन वेरिएबल्स में डाल दिया, यूज़र आईडी, क्वेश्चन, सीक्रेट आंसर, पासवर्ड, इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी इज दिस एंड सीक्रेट क्वेश्चन इज दैट एंड आंसर इज दैट, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस यूज़र का मुझे सारा डाटा ला के दिखा दो जिसका यूज़र आईडी ये है, उसका सीक्रेट क्वेश्चन ये है और सीक्रेट आंसर ये है, ठीक है। अब ये डेटाबेस से डाटा क्यूरी करेगा और इस क्यूरी को जो है वो हम यहाँ पर डाटा एडोप्टर के ज़रिए हमने ये कनेक्शन में पास किया और फिर हमने डाटा एडोप्टर के ज़रिए डाटा ला के इस इमेजी टेबल डीटी में डाल दिया। अब इस टेबल में डाटा तभी आएगा जब आपका सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट आंसर ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डी टी है, इमेजिनरी टेबल डी टी, इसकी रोज़ खाली तो नहीं है, ये अगर ज़ीरो से ज़्यादा है इसका मतलब है इसमें कोई डाटा आया है। डाटा तभी आएगा जब पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक है। तो अब उसका आंसर ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको अपडेट करना है। अपडेट यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र पासवर्ड को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर भी कोड लिख सकते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमने क्या करना है इससे बाहर आके एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। तो ये देखो, ये हम क्लिक इवेंट पे हैं, ये क्लिक इवेंट से बाहर आ गए, यहाँ पर अब हम एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं। अपडेट पासवर्ड का फंक्शन, ठीक है। इधर अब हम कोड लिखेंगे पासवर्ड को अपडेट करने का,
जी ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपडेट पासवर्ड का फंक्शन है, ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक यूज़र आईडी ले रहा है और एक पासवर्ड ले रहा है। क्यूरी बनाई, अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड वेयर यूज़र आईडी इज दिस, यानी कि जहाँ पे इस ये यूज़र आईडी है उसका पासवर्ड जो है वो अपडेट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन बनाया, कनेक्शन में से हमने डेटाबेस का की कनेक्शन स्ट्रिंग पास की, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाई, कमांड में कनेक्शन और क्यूरी को पास किया। उसके बाद एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन, ये फंक्शन जब कॉल होगा ना तो तब डेटाबेस में डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करके डेटाबेस को हमने क्लोज किया। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है यहाँ पर, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम यही है ना, ये वेरिएबल यहाँ पे पासवर्ड चला जाएगा, यूज़र आईडी यहाँ पर चला जाएगा, ये हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मैसेज शो करवा देंगे, इसको इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को मैं खाली छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं यूज़र एंटर कर पासवर्ड अपडेट होगा ना तो तब इसमें मैसेज शो होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर तो पासवर्ड उसका ठीक हुआ तो फिर तो हमें ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, अपडेट भी हो जाएगा। अगर पासवर्ड ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जाना है एल्स में, ठीक है। यूज़र को बताना है कि उसका पासवर्ड ठीक नहीं है, ट्राई अगेन, ठीक है, अपना सीक्रेट क्वेश्चन या सीक्रेट आंसर ठीक करें, पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मैसेज भेज दिया है कि एंटर करेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। उसने सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर ठीक नहीं लिखा होगा, जिसकी वजह से उसे डेटाबेस से डाटा नहीं मिला, इसका मतलब है पासवर्ड वो सीक्रेट क्वेश्चन आंसर गलत है। अगर सही होगा तो हम उसका पासवर्ड जो है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा।